झारखंड की 42 बच्चियों को रेस्क्यू कराकर दिल्ली से सुरक्षित रांची लाया गया है। इस मामले में हेमंत सरकार ने बेहद सराहनीय काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी बच्चियों को शॉल देकर सम्मानित किया। रेस्क्यू कराए गए सभी बच्चियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली से रेस्क्यू कराकर लाई गई 42 बच्चियों के बालिग होने तक मदद करेगी। सोरेन ने कहा कि जब तक ये बच्चियां बालिग नहीं हो जाएंगी, तब तक उन्हें हर महीने 2000 रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। जो बच्चे यहाँ व्यस्त नहीं हुए उनको व्यस्त होने तक सरकार हर महीना 2000 रुपए इनको प्रति माह देगी। जब तक वो व्यस्त नहीं हो जाए, और व्यस्त बच्चे हैं तो उनको हम रोजगार से जोड़ेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा। आज आप सभी बच्चियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, अब आप एक ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां पर आपका बड़ा भाई, आपका अपना व्यक्ति इस राज्य की देखरेख में लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में कुल 44 बच्चों से बातचीत की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू कर वापस लाए गए बच्चों को लेकर सरकार संवेदनशील है। सीएम सोरेन ने सभी बच्चों का भविष्य संवारने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि बालिग होने पर इन बच्चों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ा जाएगा। बच्चियों को नर्सों की नौकरियां दी, विभिन्न संस्थाओं में और वो भी बड़े बड़े अस्पतालों में, देश के बड़े बड़े अस्पतालों में उनको हम लोगों ने नर्स बना करके भेजा। और हमारा ये संकल्प भी है कि हम आप इस राज्य में अपने ऐसे बच्चियों को हुनरमंद बना करके उनको रोजगार से जोड़ें। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में गरीबी पर चोट कर ही सामाजिक और आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल सकता है। रेस्क्यू कराकर लाए बच्चों की मदद करना एक बेहतर कदम है। इसके अलावा सोरेन सरकार को सूबे की ग्रामीण इलाकों की गरीबी को भी दूर करने के लिए सटीक काम करना चाहिए, ताकि इन इलाकों के बच्चों को राज्य से बाहर ले जाने का सिलसिला पूरी तरह से रुक जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।